मरियम इस शादी के लिए एग्री थी, खुश थी? उन्हें कहा माँ प्यो जिथे तुसी करोगे मैं खुश हैगी। सोनिया बीबी नहीं जड़ी उन्हें सानू कहा तेन एक सरपैच देंगी मैनू सप्रैच देंगे। असं उस रात उत्थे ही है सो सप्रैच सानू नहीं पता की है। बाजी आ जिहड़ा रिश्ता कराया सी ना मेरी घरवाली दी बेगम दी सखी फुफी ते फुफड़ है, वह सानू आ के बड़ियां उन्हां दीआं तरीफां करदे सी कि तेरा चाचा जिहड़ा है बहुत चंगा है, उन्हां दा मुंडा नमाजी प्रेजी इहनू रिश्ता दे दिओ। सोचिया कि सके चाचे नालों वध किहड़ा हुंदा है, चाचे तायां दे रिश्ते हुंदे ने इहनां नूं दे दे। सानू की पता सी कि इहनां दे ज़ेहन च कतल करन दा इरादा हैगा सी, शायद ना कर दे पुत्तर दी खिदमत ही कर लो। अच्छा ये बाप जो है वो अपनी बेटी की तस्वीर नई नवेली दुल्हन सजी सवरी गोद में लेके बैठे हुए, अब तक ये आलम है, बच्ची को गए हुए भी इस दुनिया से तकरीबन 2 साल हो गए। किसने ये रिश्ता करा दिया था, आपने पता नहीं किया? बाजी आज जड़ा रिश्ता कराया सी ना मेरी घरवाली दी बेगम दी सखी फुफी तो फुफड़ है, वह सानू आ के बड़िया उन्होंने तरीफा करते कि तेरा चाचा जड़ा बहुत चंगा है, उन्हों का मुंडा नमाजी प्रेजी इन रिश्ता दे दौ। फुफी साढ़े घरों ही नहीं से उठती, ए वैस मुंडा नहीं जड़ा है जड़ा मुंडे का मामा है, वैस तो सोनिया, ए तीन लोग साढ़े घर इन्ना गाँवते कि तुसी सोच भी नहीं सकते कि जिमें बिचों कहना तीला भी नहीं लंघ सकता। वो साढ़े घर दिन रात आते कि मरियम साड़ी धी है समझ लै, असी चारे पंजे दियां मावां वा, तुसीं सानू रिश्ता दे दो, सानू रिश्ता दे दो। असी क्या सोचा ना मौका दिओ कुछ सोचा, फिर असी सोचा कि सके चाचे नालों वध किहड़ा हुंदा है, चाचे तायां दे रिश्ते हुंदे ने इहनां नूं दे दईए। सानू की पता सी कि इहनां दे ज़ेहन च कतल करन दा इरादा हैगा सी, शायद ना कर दे पुत्तर। उहनां नूं असी मरियम दा रिश्ता देता जिहदे जिहड़ी बुढ़ी ने कतल अपना कीता है, और जिहड़ी रिश्ता कहिंदे पुछिया जिहने उहदा नां हैगा निको, ते उहदा नां उंज वी जिहड़ा ना मरियम ही है, निको का नाम मरियम है, निको उनका नाँ है, निको निको कहते हैं, उनका नाम मरियम भी है उस कुड़ी का भी जिन्हें रिश्ता लैके गई है। वैस जिहड़ा मुंडा है उनका जवाई है निको का, तो सोनिया जिहड़ी है उनकी बीवी है। वह सोनिया तो उठती नहीं सुनती है, जिथे मैं पिया आया वा ना इतें ही इतने बोतलों पीनियाँ चावं पीनियाँ, असी भी जाना खाना पीना रिश्तेदार हों ना, फिर खाना तो हों तो जाइए तो रोटी खानी चाह पीनी। उन्होंने सानू कहा भी तुहानू तंगी कोई नहीं होगी, सानू रिश्ता दे दो, असी उतार ही उठना है। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरा चाचा उदो जीवंदा सी, असी रिश्ता देता तो चाची नूं देता, वो आए निको लैके चले गई, गुड्डूआं दा नाँ उहदे मीए दा, वह लैके चला गया। वैस सोनिया हरी तो सानू दिन रात इक्को गल्लां करदे सी, इहनूं दुख नहीं होएगा समझ लै, मेरे विआह नूं 13 साल हो गए ने, तो मैनू कोई दुख नहीं होया इन्हां कोल। सोनिया दा बकौल है कि इस जिधर मुंडे वाले जिधर मरियम कतल होई है ना, मेरी शादी नूं 12-13 साल हो गए ने, मैनू कोई दुख नहीं है, इहनूं भी कोई दुख नहीं होगा। अच्छा मरियम इस शादी के लिए एग्री थी, खुश थी? हाँ जी, मेरी बेटी पुत्र है स्कूल है, बच्चे पढ़ाउंदी सी, सारा सब्जादार तुसीं जिहड़ा मर्जी बूहा खड़का के कोठी वाले नूं पुछ सकदे। मरियम नाम दी टीचर उहने अज तक उत्ते नहीं सी देखिया, असी मैं आपे ही बेटियां नूं छड्ड के उन्हां सा आपे लै के उन्हां सा जांदी, मां जांदी सी। मरियम नूं पुछिया भी सी, उन्हें कहा माँ प्यो जिथे तुसीं करोगे मैं खुश हैगी हाँ, उन्हें तो कदी इस तरह की गल ही नहीं सी कीती। ते एंड ते सोनिया बीबी नहीं जिहड़ी हैगी उन्हें सानू कहा सी तैनूं इक सरपैच देंगी मैनू सप्रैच देंगी, असी उस रात उत्थे ही है सो सप्रैच सानू नहीं पता की है सी। हाँ जो भी तुम अपनी जबान च कह सू सप्रैच देंगे, उन्होंने पुत्र असी उस टाइम उत्थे मौजूद स खप पई जी आ गए चोर आ गए डाकू आ गए जिमें धमाते नहीं गए हो गया, जो असं बूह तोड़ के असं अंदर गए हाँ उदो, क्योंकि मेरी लत सही सी, मैं जिस तरह तुम नहीं टुर सकते मैं टुर सकना सा, मैं बूह तोड़ के अंदर गए हिला के अंदर चले गए, वेख्या तजीम ने उनका गला कट चुका सी, मरियम का बैड के उत्ते बैठा असी सजे हाथ उन्हें जो छुरी भी हैगी सी, छुरी भी उनके कोल सी, पुलिस वाले आए ने पता नहीं महल्ले जो किन्ने फोन किया किन्ने नहीं किया, आ गए ने उन्होंने ला भला करे उन्हें हाथ असी फड़ाता है 7-8 बजे थाने लै गए सुंदर। तो मरियम की जान निकल रही थी या फोत हो चुकी थी? हो चुकी सी बेटा, फोत हो चुकी थी आपके अंदर जाने से पहले? जाने से पहले फोत हो चुकी सी, उन्होंने उस वेले डेक डुक लाए होंगे ने जड़े नहीं होंगे खुशी वाले मसला होंगे, उन्होंने जो भी किया होगा आवाज से आई, सिर्फ उदो आवाज आई जो बहुत शोर होया, असी क्या फिर बूआ नहीं सी खोलते, फिर साढ़े को दो बंदे जो मैं अंदर गया वा ना बूआ तोड़ के अंदर गया, मैं सा मेरी बेगम सी नाल इहदा भतीजा हैगा सी, असी सारे तो पहले मैं अंदर गया, उस तो पिछे आया सी सब तो पिछे मेरा भतीजा भी हैगा सी, ते असी बूआ खोल के उत्ते गए हैं, तो दो बंदे नाल ही ना ढाई मरले के घर नस गए ने पौड़ियाँ चढ़ गए उत्ते चढ़ गए नस गया, तो उस वेले नेरा भी नहीं सी हैगा, बत्तियां जिवें तुहाडे कमरे च नहीं चल रही सब कुछ चल रहा, पर नस गए ने। उस तो बाद सानू नहीं पता लगा उस टाइम कौन सी, तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो कुल नहीं हो गए उदो पता लग गया, हर रिश्तेदार जेडे मुंडे के चाचे ने ना वो कहें वैस दौड़िया उस कमरे चो
वैस दौड़िया सी, वैस ने कराया जो कुछ कराया, सोनिया ने तो वैस ने कराया, तुसी एडे पागल जिहे रिश्ता देता। मैं कहा यार असी तबार किया अपनी फुफी दे मुंह नूं दित्ता। अच्छा मुझे ये बताएं आप अशरफ साहब के इसके अलावा सारी स्टोरी मैंने सुनी है, इसके अलावा आप लोगों का इस फैमिली के साथ कोई लेन देन, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश? बेटा जी ना तो असी अपने चाचियां को अज तक किसी भी चाचिया ने ना किसी को लिता रिश्ता, ना कोई दिता, ना कोई जमीन वंडी। साढ़े को अपनी ताजी कमानी तो खानी, अपने काम च मगर रहने स, कोई 1,000, 2,000 या 500 कमा लिया अपने बाल बच्चे खुश रहने स बस। रक्षे वाला कि कमा लेगा तुहानू भी पता, सी एन जी रक्षा है, मैं चला वा अपनी मेहनत करता फिरना सर। तो बेगम मेरी स्कूल च आया काम कर दी सी, बेटी मेरी वो जी मरियम फोत हो गई है वो स्कूल टीचर हैगी सी, बच्चों को पढ़ाती सी। दोपहर की होंगे वही क्लास के बच्चे नहीं होंगे, 16वीं 15वीं बच्चे पढ़ाती सी। तो शादी के बाद जॉब छोड़ दी थी? नहीं नहीं, शादी तो थोड़े दिन बाद पहले तो छटी सी, थोड़े शादी से पहले ही छोड़ दी थी। अच्छा तो इसका मियाँ क्या कहता है कि क्या हुआ है, वो क्या कहानी सुनाता है? बाजी इको ही उन्होंने सारे घर ने पाड़ा पड़िया, असं सुते पे सानू पता ही नहीं लगा, जिमें उन्होंने कोई सिखा नहीं देता कि तुम यह बयान रखना है, वो एको बयान रख दें, असं सुते पे सानू पता ही नहीं गा, पर सारे उस वे साढ़े को जागते पे से बैठे हुए, उन्होंने एको स्टोरी उ रखी हुई है। असी क्या ठीक है सानू जिमें तुम कहोगे उवें करांगे। क्या स्टोरी सुनाई हुई है वही तो बताएं। वही बात है सुते पैसा सानू पता नहीं लगा, उन्हें एक ही गल नहीं, इसके मियाँ ने क्या स्टोरी सुनाई है? स्टोरी यह सुनाई है कि मैं अपनी बेगम को बैठा सा, बड़े खुश सा, मैं उन्होंने ना वैसे धमका रहा सा कि मैं तेन धमका रहा सा, समझा रहा सा जी मेरे को छुरी चल गई, तो मैं बस ऐ पता लगा ए बगैरा वीडियो आया भी है कि छुरी चल गई है, मैं उन्होंने धमका रहा सा। फिर जो जनाह हस्पताल मैं पोस्ट मास्टर वहाँ लैके आया, डॉक्टर ने कहा तेरी बेटी का गला, मैं कहा यार धमका रहा सी, कहिंदा बाबा जी रीढ़ की हड्डी होंगी उन्हें नाल पिछे जुड़ी हुई है, उन्हें 3 दफ़ा कतल की पूरी छुरी नाल, टिशू पैल्ट नाड़ा कटिया गई, जो कुछ कटिया गया उन्हें कहा सारा कुछ कट दिता, उन्हें कहा धोन बस मास के नाल लड़ी हुई। कितना बेचारी तड़पी होगी, कितना चीखी होगी, डेक लगा हुआ था तो बाहर आवाजें नहीं आती होंगी, तो उसे तो तड़फना की बाजी उ, सानू दोवे जिया तो आप वो बेहोश हो गई थी मेरी घर वाली, वैसे ही तुम्हें पता है यह मसले जी की होंगे, मैनू सट लगी तो मैंने चक्कर आते, मैनू नहीं पछाण आती, इस वास्ते सानू तो उस वे पता ही नहीं लगा कि साढ़े नाल हो गया। बस दो लत्तां नाल रहनी है ना, मैं इन्हू छड़ के जावांगी ना, तो पता नहीं अगों की खोजे होएगा, तो इनकी खिदमत ही कर लो, इनकी खिदमत कर लो, वरना दे पुत्र एक दिन रहेगा। अच्छा मुझे ये बताएं माँ जी, मुझे ये बताएं कि मरियम छोटी होती शरारती थी, कैसी थी? नहीं वो होर तरह की बच्ची सी, जो एक नाइस बच्चे नहीं होंगे, कोई हरकत ऐसी वैसी नहीं करनी, बड़ी उच्ची बोलने वाली नहीं सी, बहुत आहिस्ता बोलती सी, वह इस तरह बोलती सी कि इतने बोल रही तो तेनों भी समझ नहीं आनी, स्कूल चार बंदा यही कहें कि मरियम की आवाज़ असी नहीं सी सुनते, बहुत आहिस्ता बोलती सी, नमाज पढ़नी है, तहीयत पढ़नी है, कुरान खोलना है, इस तरह के काम पढ़ाई थी पढ़ना है। कितना पढ़ी हुई थी वह? मेरी बेटी 14 पढ़ी सी, मैं 14 नहीं बोल रही। ग्रेजुएशन किया था मरियम, क्या बनना चाहती थी बचपन में कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगी? टीचर ही मेरे पुत्र, टीचर थी, स्कूल टीचर थी, जिन्हें बच्चे पढ़ते हैं वो ऐ नहीं सी समझते मेरी बेटी, वो समझते सी इन्हें माँ प्यो बड़ा ठीक ठाक है, अच्छी नाइस बच्ची, वो तो उन्होंने उदो पता चलिया जो मर गई क्या मेरी बेटी। असी एक जगह से काम करते सी, इतने पता नहीं सी लगता सी मावा दियाँ, इन्नी अच्छी सी मरियम, बहुत अच्छी थी, आपकी फरमा बरदार भी थी। हाँ। उच्ची नहीं सी बोलती पुत्र, डांट लिता है कुछ कर लिता, उन्हें अगो कुछ ही नहीं कहना, मैं ले आले तेनों दसन गए, मैं अपने मुँह क्यों दसा मेरा पुत्र। अच्छा मुझे बताएं जब मरियम की शादी तय हुई है तो मरियम ने लड़के को देखा था? मरियम ने हाँ देखा, सी पहले देखा हुआ था कि तस्वीर देखी थी? तस्वीर देखी सी, पहले नहीं सी। क्या कहती है कि ठीक है? साढ़े बच्चे बोलते ही नहीं पुत्र, नहीं वो कहते कि असी ये या वो, ऐसा उन्हें है ही नहीं सी, लुत्फ खुत हों मरद ही दस पहले, 400 भी किसी की समझ ना जाती, वो इस तरह की है नहीं सीते। अच्छा मुझे बताएं जब बच्चियों की शादी होती है, मेहंदी बारात वलीमा, फिर बच्चियां मकलावे पे वापस आती हैं, जब मकलावे पे मरियम वापस आई थी तो मरियम ने बताया कोई अपने ससुराल या शौहर के मुतल्लिक कोई बात? कुछ नहीं दसी उन्हें, कुछ नहीं, जब मैं इसे मिलने गई ना तो वो जैसे इंसान सहमा सहमा नहीं होंगे, इस तरह से जिस रात इन्होंने मारे है, वैसे मारपीट की है? नहीं, वैसे जिस तरह एक इंसान सहमया सहमया नहीं होंगे, वैसे तरह से
क्योंकि इन्हें दोनों की तस्वीर है सी ना, तो यह तस्वीर जो मैं वड्डी करवानी सी, मैं क्या मरियम मैं तस्वीर तेरी मैं वड्डी करवा देंगी। ठीक है, उन्हें कहा एक बच्चा हैगा सी अवैस का, उन्हें कहा कि इस बच्चे की तस्वीर लाजमी बिच हो, तो जी तस्वीर सामने लगी सी उन्होंने सुट दी सी कि इन बच्चों की तस्वीर नहीं गई, साडा बच्चा नाराज होंगे। एक मिनट, जो सामने तस्वीर लगी थी वो दुल्हन बने हुए थी, उसमें मियाँ भी था। हाँ, और ये मियाँ बीवी की तस्वीर उतार के फेंक दी गई, तो वह कहती सी जी मेरी तस्वीर वड्डी कराएंगी ना उन्हें इस बच्चे की तस्वीर लाजमी हो। फिर हाँ हुक्म सी, ये मरियम ने मुझे खुद बताया था, कहा था। तो फिर अजीम की माँ ने भी कहा था हाँ उनकी तस्वीर भी अंधी भी बीवी चिलवा दी। आपका दामाद को नशा वशा तो नहीं करता? नहीं, नशा वशा नहीं सी करता। इतना जुल्म कैसे कर दिया? ये तो वही दसेगा मैं किस तरह जुल्म कर दिया। नशा वशा नहीं करता था। वो शवास में प्रॉपर तगड़ा, प्रॉपर तगड़ा चार बंदियां ने सानू मार के दिता। मामी दे बकोल ने, वो जो मेरी कजन है ना, मेरी पुप्पो की बेटी जो इसकी मामी है, वो कहती है वो अब जब बाहर आ गया ना अगर, तो वो गुंडा बन गया, वो किसी को भी मार सकता है। ये उसके खुद के बकोल है, मेरे साथ उसकी मुलाकात हुई।